ठेठ हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। दुनिया स्वास्थ्य चिकित्सा में इतनी तरक्की करने के बावजूद भी अभी तक कोरोना वायरस जैसी महामारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रही। वहीं दूसरी ओर आज भी कई लोग झाड़ा फूंक और टोने टोटके से इलाज कर अंधविश्वास से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में ऐसी ही एक ढोंगी शख्स की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वह लोगों का हाथ चूमकर इलाज करने का दावा करता था। इसके अलावा वह पानी में फूंक मारकर मंत्रित कर लोगों का इलाज करने का दावा भी करता था। झाड़ फूंक वाले शख्स की मौत के बाद प्रशासन सकते में गया और आनन फानन में उससे इलाज करवाने वालों की लिस्ट निकाली। उसके कॉन्टैक्ट में आए लोगों की लंबी लिस्ट से प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। CHMO रतलाम डॉक्टर प्रभाकर नानावेर ने बताया कि अब तक मृतक शख्स के संपर्क में आए 29 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। ऐसे हालात में प्रशासन ने शहर में अंधविश्वास के नाम पर झाड़ा फूंक करने वालों की जानकारी जुटाई। करीब 37 लोग केवल शहर में ही ऐसे मिल गए जो झाड़ा फूंक और धागा बनाने जैसी अंधविश्वास से लोगों का इलाज करते थे। प्रशासन ने सभी 37 झाड़ा फूंक और तावीज वाले लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है। हालांकि इन लोगों को इस पर एतराज है। उनका कहना है कि वे सालों से ऐसे ही इलाज करते आ रहे हैं। लॉकडाउन में इनके पास कोई नहीं आया, फिर क्यों बेवजह यहाँ रखा गया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हरियाणा, जय हरियाणा।